हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र की, ठीक है, बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ। और आज हमारी यूनिट होगी सेकेंड, ठीक है, सेकेंड यूनिट, यानी कि हमारे ये जो सेमेस्टर फोर्थ का ये आपका पेपर है, इस पेपर में जो है आपकी 10 यूनिट हैं। अब 10 यूनिट जो है आपकी पाँच, मतलब पहली यूनिट में चार, ठीक है, पहले मतलब पहले दो खंड में बांट दिया गया है। इसमें 4 यूनिट है पहले खंड में, और दूसरे खंड की बात कर रहे हैं उसमें 6 यूनिट हैं। तो हम जब दूसरे खंड को शुरुआत की है, दूसरे खंड की पहली यूनिट को पढ़ चुके हैं, अब हम आगे वाली यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड, ठीक है दोस्तों। इसीलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यूनिट सेकंड हो रही है, यूनिट सेकंड पहले भी करा दी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, इस प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे, प्रश्न की भावना को समझेंगे, क्या कहना चाह रहा है और इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगा, बने रहना, ठीक है। तो प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछता है? सबसे पहले मार्कर को सेट कर लेता हूं मैं, ये। अब चलिए बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है हॉब्स के, ठीक है, हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा, ठीक है, हॉब्स के, आपके नहीं या की होगा, ठीक है, हॉब्स की प्राकृतिक अवधारणा की, ठीक है, अवस्था की अवधारणा, या फिर प्राकृतिक अवस्था सभी का, ठीक है, सभी के, सभी को, है ना, सभी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति है, ठीक है, सभी का, सभी के विरुद्ध, ठीक है, का ही होगा यहाँ पर, ओके। चलिए, तो ये दो प्रश्न आपको दिखाई दे जाए, ठीक है, क्या क्या दिखाई दे जाए कि हॉब्स की प्राकृतिक अवधारणा, ठीक है, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा, ये प्रश्न हो जाए, और प्रश्न या फिर ये कहते हैं आपसे प्राकृतिक अवस्था सभी का, सभी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति है, ठीक है, तो इसे किस प्रकार लिखना होगा हमें? चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे क्या, हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था, ठीक है, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था, ठीक है, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था, ये हेडिंग डालेंगे और शुरू कर देंगे लिखना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, चलिए, तो हॉब्स की प्रमुख रचनाओं में से, ठीक है, हॉब्स की जो है प्रमुख रचनाओं में से डी सिवे, ठीक है, डी सिवे, डी, ठीक है, ये कौन है, ये प्रोफेसर हैं, ठीक है, और डी कारपोर हो गए, ठीक है, डी कारपोर, पालिटिको, ठीक है, और डी होमाइन हो गए, ठीक है, इन कानून के तत्व, ठीक है, कानून के तत्व ग्रह पर एक वार्ता प्रमुख है, कैसे है, एक वार्ता यानी वार्तालाप के प्रमुख है। तो राजनीतिक विचार की, ठीक है, राजनीतिक विचार की दृष्टि से इनमें कौन, लेवियाथन, ठीक है, इनमें कौन, लेवियाथन एक व्यक्ति है, ठीक है, कौन है, राजनीतिज्ञ है, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र विज्ञानी है, कौन, लेवियाथन, लेवियाथन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, ठीक है, हॉब्स द्वारा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को हॉब्स, ठीक है, इससे पूर्व की स्थिति को क्या कहा जाता है, हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है, ठीक है, हॉब्स जो है इसे क्या, किसकी संज्ञा देता है, प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है, और मानवीय स्वभाव का चित्रण, ठीक है, मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद वह यह बताता है, क्या बताता है, कि ऐसी प्राकृतिक, ठीक है, ऐसी प्रकृति वाले मनुष्य पर, ठीक है, मनुष्य पर की प्राकृतिक अवस्थाओं में क्या दशा होती है, ठीक है, ऑप्स जो है इस संबंध में तार्किक ढंग से आगे बढ़ा, ठीक है, इस संबंध में तार्किक ढंग से आगे बढ़ा, और उसकी, ठीक है, उसकी प्राकृतिक अवस्था वैसी ही है जैसी कि पूर्णतया स्वार्थी और समान शक्तियों वाले मनुष्यों की नियंत्रण सत्ता के अभाव में, कैसी, नियंत्रण सत्ता के अभाव में हो सकती है, ठीक है। अब आगे बात करें तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है, ठीक है, वह वस्तुतः अराजकता की, ठीक है, वह किसकी, अराजकता का ही कैसा दूसरा ही नाम है, ठीक है, इस अवस्था में सबका सभी से, ठीक है, इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्ष या, ठीक है, संघर्ष या युद्ध चलता रहता है, ठीक है, यही पॉइंट था, है ना, यही पॉइंट था हमारा, और ये पॉइंट हम यहाँ पर हेडिंग डाल के आराम से सुंदर राइटिंग में लिख देंगे। चलिए अब आगे बात करें दोस्तों, तो इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति के संबंध में हॉब्स ने लिखा है, क्या लिखा है हॉब्स ने, हॉब्स ने लिखा है कि हम मानव स्वभाव में, ठीक है, मानव स्वभाव में संघर्ष के तीन मुख्य कारण देखते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया प्रतिस्पर्धा, भय हो गया, और यस, ठीक है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, डर हो गया और यस हो गया, ठीक है, प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, ठीक है, किसके लिए, लाभ के लिए, और भय के कारण की बात करें तो रक्षा के लिए,
और यश की कार बात करें तो प्रसिद्धि यानी धन अर्जित करने के लिए, ठीक है, निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। आगे बात करें तो अब आगे जानेंगे दोस्तों अवस्था का चित्रण, ठीक है। अब इसके अवस्था का चित्रण की बात हो रही है तो किस प्रकार किया जाता है, निम्न प्रकार किया जा सकता है। चलिए तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था किससे, शक्ति ही सत्य है। प्राकृतिक अवस्था क्या है उसकी, प्राकृतिक अवस्था है कि शक्ति ही सत्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखें, यह है अवधारणा, ठीक है, यह धारणा पर आधारित थी और इसके अंतर्गत जो कोई, ठीक है, जो कोई या जो कुछ भी ले सके और उसे जितनी देर अपने पास रख सकने में समर्थ हो वही उतने समय के लिए उसका हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में मनुष्यों का जीवन दुखमय होना कैसा, अवश्य संभावी, ठीक है, कैसा है, अवश्य संभावी है, ठीक है, अवश्य संभावी यानी अवश्य संभावी, इसे तोड़ के लिखेंगे तो यही हो जाएगा। अब आगे बात करें और, ठीक है, और किसी भी प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती है। हॉब्स अनुसार, ठीक है, हॉब्स के अनुसार, किसके, हॉब्स के अनुसार बात करें तो ऐसी दशा में उद्योग, ठीक है, उद्योग हो गया व्यापार, ठीक है, और संस्कृति, जल परिवहन हो गया आपका, भवन निर्माण हो गया, यातायात के साधनों, ठीक है, ज्ञान व समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता, ठीक है, तथा मनुष्य, मनुष्य का जीवन एकाकी दीन, ठीक है, एकाकी दीन अपवित्र, ठीक है, अपवित्र, पाश्विक, ठीक है, पाश्विक तथा क्षीण होता है। कैसा होता है, अपवित्र होता है, पाश्विक होता है और क्षीण होता है। हॉब्स की, ठीक है, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था, ठीक है, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कि अपनी इस कल्पना को किसी ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं करता, ठीक है, किसी ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं करता, बल्कि वरन या बल्कि अनुमान करता है। किस चीज का अनुमान करता है, अनुमान करता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की दशा इसी से मिली, ठीक है, इसी से मिली जुली रही होगी। वह अपने अनुमान के बारे में, ठीक है, वह अपने अनुमान के बारे में तर्क देता है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान, ठीक है, इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान जब कोई संप्रभु शासक नहीं था, ठीक है, संप्रभु शासक नहीं था, ऐसी ही दशा में हुई थी, ठीक है, और ऐसी दशा आजकल उन जातियों की पाई जाती है जो असभ्यता के कारण, ठीक है, किसके, असभ्यता के कारण राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकी हैं, ठीक है, क्या नहीं कर सकी हैं, राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जगत का उदाहरण देते हुए हॉब्स कहता है कि सभी राज्यों, ठीक है, सभी राज्यों पर कोई उच्च सत्ता ना होने के कारण ही वे प्राकृतिक अवस्था, कैसी प्राकृतिक अवस्था यानी नेचुरल कंडीशन में रहते हैं और उनमें परस्पर युद्ध होता रहता है, ठीक है, क्या होता रहता है, युद्ध होता रहता है। अपने इन उदाहरणों के आधार पर हॉब्स कहता है, क्या कहता है कि मनुष्यों को, ठीक है, मनुष्यों को एक दूसरे के साथ रहने में सुख नहीं, ठीक है, सुख नहीं वरन बड़ा दुख, ठीक है, वरन सुख नहीं वरन बल्कि बड़ा दुख और कष्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, दुख होता है और कष्ट होता है, और इसलिए वे एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं जबकि उन्हें शक्ति के आधार पर ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए, ठीक है, कब कर सकते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें, तो दोस्तों जैसा कि अब ये देखिए प्रश्न आपका क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो हर बार मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही प्रश्न समाप्त हो आपको क्या करना होगा, जितना आपने अभी देखा उसे फिर से फटाफट से जैसी आपको सफिशियंट स्पीड लगे उस स्पीड में तुरंत इसे रिवाइज कर देंगे ताकि जो है आपने जितना अभी समझा और पढ़ा है वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, और जैसे ही आपके माइंड में सेट हुआ आप एग्जाम में जब लिखने बैठेंगे तब क्या होगा, आपको जो है लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सारा का सारा बिल्कुल एकदम एग्जाम्पल वाइज बिल्कुल लाइन वाइज आप लिखते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो उम्मीद है दोस्तों आपने क्लास को एंजॉय किया होगा।
ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।